हाय फ्रेंड्स, वर्दर्पण में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम कूड और कूड हैव मोडल्स का पैसिव वॉइस में यूसेज कैसे करते हैं। तो इसमें अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि हम पैसिव वॉइस में इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश का मीनिंग कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कूड के पैसिव वॉइस का यूसेज कैसे करते हैं। तो कूड का जो मतलब होता है वो होता है सकना से रिलेटेड, और यदि आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा एक आइडेंटिफिकेशन रूल। आप कैसे समझेंगे कि कोई भी सेंटेंस हमारा कूड से रिलेटेड है और वो हमारा पैसिव वॉइस में है। तो सेंटेंस में आपका रहेगा यानी कि किसी के द्वारा या जा सका, ये जा सके, ई जा सका और या तो सब्जेक्ट का पता ना हो। इस चीज को ब्रैकेट में रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में या जा सका, ये जा सके, ई जा सका यानी कि ई जा सकी, अगर इस टाइप के हिंदी वाक्य सेंटेंसेस में आते हो और उस सेंटेंस में किसी के द्वारा ये चीज का मेंशन हो या फिर सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता ना हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि वहां पर कूड का जो यूसेज हुआ है तो वो पैसिव वॉइस के रूप में यूसेज हुआ है। तो हम जानते हैं, अब हम ये सीखते हैं कि कूड का यूसेज पैसिव वॉइस के रूप में हम कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर को। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, तो यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद कूड लेंगे, फिर बी का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। सेंटेंस निगेटिव हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट का, उसके बाद कूड का, फिर नॉट का, फिर बी का, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का, अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। यदि सेंटेंस में कहीं दोबारा हो तो आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद बाय का यूसेज कर सकते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद बाय का यूसेज, अर्थात इंटरोगेटिव हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूसेज करेंगे, उसके बाद सॉरी इंटरोगेटिव में स्टार्टिंग में कूड का यूसेज होगा, कूड, फिर सब्जेक्ट का यूसेज करेंगे, फिर बी का, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का, यदि नेसेसरी हो यानी कि आवश्यक हो बाय का यूसेज करना जिसमें कि के द्वारा का मेंशन हो तो वहां पर हम बाय का यूसेज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद, फिर ऑब्जेक्ट का, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का। और यदि सेंटेंस डब्ल्यू एन एच में हो स्टार्टिंग में हम डब्ल्यू एन एच वर्ड का यूसेज करेंगे, फिर कूड का यूसेज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, उसके बाद बी का, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का, बाय का, ऑब्जेक्ट का, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यह है हमारा स्ट्रक्चर, जिन स्ट्रक्चर की मदद से हम कूड के पैसिव वॉइस बना सकते हैं और इसका हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी आसानी से इसका अर्थ समझ सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं कि कूड का पैसिव वॉइस में कैसे हम मीनिंग निकालते हैं या फिर इसका इससे रिलेटेड ट्रांसलेट हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए इसे डिलीट करते हुए बात करते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मोबाइल बेचा जा सका, ठीक है। अब इस सेंटेंस में मोबाइल किसके द्वारा बेचा जा सका तो पता नहीं चल रहा है, और सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी पता नहीं चल रहा है कि किसके द्वारा बेचा जा सका, और सेंटेंस में कहीं के द्वारा तो यानी कि डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है।
तो मैन पहचान यह कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है और प्लस लास्ट में या जा सका का बोध आ रहा है, तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि मोबाइल पैसा जा सका ये जो सेंटेंस है हमारा पैसिव वॉइस में। अब उसका ट्रांसलेट हम कैसे बनाएंगे, तो ट्रांसलेट बनाने के लिए यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूसेज करेंगे, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है मोबाइल, तो यहाँ पर हो जाएगा मोबाइल। मोबाइल के पहले द का यूसेज कर देते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि वो यानी कि द यानी कि किसी मोबाइल को इंडिकेट कर रहा है कि वो मोबाइल द मोबाइल। उसके बाद है कूल, तो यहाँ पर यूसेज करेंगे कूल। फिर बी है तो यहाँ पर बी। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सोल, तो यहाँ पे सोल। तो इस तरह इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया मोबाइल बेचा जा सका, मोबाइल कूड बी सोल। अब इसी को अगर इसी का यदि हम निगेटिव बनाते हैं तो मोबाइल नहीं बेचा जा सका, ये हिंदी में होगा और इंग्लिश में ट्रांसलेट बन जाएगा कि द मोबाइल कूड नॉट बी सोल। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस में। यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले कूड, तो यहाँ पर हम कूड का यूसेज करेंगे। फिर सब्जेक्ट है द मोबाइल, तो यहाँ पे हो जाएगा द मोबाइल। फिर है बी, तो यहाँ पर बी का यूसेज करेंगे। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर सोल। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क बाय ऑब्जेक्ट देना इसमें नेसेसरी नहीं है क्योंकि सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है। और यदि सेंटेंस यानी कि ऑब्जेक्ट ये पैसिव वॉइस में आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि हम इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानते हैं। अब सेंटेंस है डब्ल्यू एन एच का, तो डब्ल्यू एन एच में कोई सबसे पहले हम डब्ल्यू एन एच वर्ड लेंगे, जैसे कि मोबाइल क्यों बेचा जा सका या मोबाइल कैसे बेचा जा सका, तो कैसे कर लेते हैं, कैसे का हाउ होगा डब्ल्यू एन एच वर्ड। फिर है कूल, तो यहाँ पर देंगे हम कूल। फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है द मोबाइल, तो यहाँ पर देंगे द मोबाइल। उसके बाद है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है सोल, तो यहाँ पर हो जाएगा सोल। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क। इस तरह हमारा डब्ल्यू एन एच सेंटेंसेस बन गए हाउ कूड द मोबाइल सोल, यानी कि मोबाइल कैसे बेचा जा सका। तो ये था हमारा यानी कि कूड से रिलेटेड ऐसा सेंटेंस का एग्जांपल जिसमें कि हमारा सब्जेक्ट ना हो। अब हम एक ऐसा सेंटेंस यानी कि एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि सब्जेक्ट भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो। चलिए वैसे सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं, तो इसको मिटाते हैं और इसी सेंटेंस का हम सब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि मोहन के द्वारा। इसी सेंटेंस को यदि हम दूसरे टाइप में लिख देते हैं, जैसे कि दूसरा एग्जांपल हो गया कि मोहन के द्वारा मोबाइल बेचा जा सका, तो लास्ट में देखते हैं सका है। और इसमें देख रहे हैं कि मोहन के द्वारा सब्जेक्ट का पता चल रहा है और ऑब्जेक्ट, तो इसमें सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मानते हैं, इसीलिए सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट का यूसेज करेंगे मोबाइल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा द मोबाइल। उसके बाद कूड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, उसके बाद होगा बी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सोल, उसके बाद इसमें बाय हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर देख रहे हैं मोहन है जो कि हम ऑब्जेक्ट के जगह पे लिख रहे हैं, तो बाय यहाँ पे हो जाएगा मोहन। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस तैयार हो गया। यदि हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बनाएंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा मोहन के द्वारा मोबाइल नहीं बेचा जा सका, और इसका ट्रांसलेट बन जाएगा द मोबाइल कूड नॉट बी सोल्ड बाय मोहन। इसी को यदि हम इंटरोगेटिव में बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा कूड हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट द मोबाइल हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बी, उसके बाद हो जाएगा सोल बाय, फिर हो जाएगा मोहन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यदि इसी सेंटेंस को हम डब्ल्यू एन एच के रूप में बनाएंगे, सबसे पहले डब्ल्यू एन एच वर्ड, डब्ल्यू एन एच वर्ड कोई सा लेते हैं जैसे कि हाउ, फिर हो जाएगा कूड द मोबाइल बी सोल्ड बाय मोहन, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह देखते हैं कि हम बहुत ही आसानी से जिसमें सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट नहीं हो उसका भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं।
और जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो तो उसका भी पैसिव वॉइस बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। और ये जो मैन डिपेंड करते हैं तो ये हमारे स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप गुड का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आसानी से समझ गए होंगे और इसका हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी भी मीनिंग आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो इतना ही समाप्त करते हैं। स्टार्टिंग में हमने बोला था कि इसमें कुड हैव का भी यूसेज बताएंगे, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाने के कारण हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो यदि आप कुड हैव का भी पैसिव वॉइस जानना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आप कुड हैव के पैसिव वॉइस का यूसेज बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही आसानी से समझ पाए। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।